हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रूट मोबाइल के आईपीओ के ऊपर बात करने जा रहे हैं और आज यानी 11 सितंबर को इसका सब्सक्रिप्शन क्लोज हो गया है और इसमें हमें जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तीसरे और आखिरी दिन ये आईपीओ आपका ओवरऑल 73.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये आईपीओ भी काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है और इसमें भी हमें बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो अगर आपने इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें और यहाँ पे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस आईपीओ से आपको कितना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें। तो यहाँ पे हम इसके डिटेल्स को देखते हैं। तो उसके लिए हम एक वेबसाइट equity2community.in को ओपन करते हैं। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आपको रूट मोबाइल का आईपीओ दिख जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो रूट मोबाइल के आईपीओ का कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और वीडियो भी बना चुके हैं, तो इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। आप हमारे वेबसाइट equity2community.in पे आके ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि आईपीओ आज यानी 11 सितंबर को क्लोज हो गया है और इसका जो लॉट साइज है वो है 40 शेयर्स का। और यहाँ पे आप रूट मोबाइल के आईपीओ का टाइमलाइन भी देख सकते हैं। 16 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आईपीओ का अलॉटमेंट आपको मिला है या नहीं मिला है। अगर अलॉटमेंट आपको नहीं मिलता है तो 17 सितंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 18 सितंबर को ये आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा और 21 सितंबर को इसका लिस्टिंग है, मतलब 21 सितंबर से इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और इस टाइमलाइन को आपको ध्यान में रखना और 16 सितंबर को आपको वेट करना है। तो अब हम इसके सब्सक्रिप्शन डिटेल्स को देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इस आईपीओ से हमें कितना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे हम रूट मोबाइल के सब्सक्रिप्शन डिटेल्स को देखते हैं एज ऑन 11 सितंबर टिल 5 PM। तो आप देख सकते हैं कि पहले दिन ये आपका आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था, दूसरे दिन ये आपका 4.1 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था और तीसरे दिन जब QIB और NIA ने एंट्री मारा तभी आपका ओवरऑल 73.30 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में भी हमें बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और इसका रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन भी आपका 12.67 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, यानी आपका ऑलमोस्ट 13 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। इसमें भी 13 में से किन्हीं एक को ही अलॉटमेंट मिलेगा, जो एक लकी लोग रहेंगे उनको अलॉटमेंट मिलेगा और उनको यहां से अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस मिलेगा। तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनको क्या करना है, तो इसके ऊपर हम आगे वीडियो जरूर बनाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें और यहां से आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस जरूर मिलेगा। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं उनको मैंने बताया था कि यहां पे थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको नहीं होल्ड करें तो ही बेटर रहेगा। आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस मिलता है तो यहां से आप लिस्टिंग गेंस लेके निकल सकते हैं, वो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन होगा। तो इस आईपीओ में हमें बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और अब हम देखते हैं कि यहाँ से कितना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। तो उसके लिए हम और ड्रैग करके नीचे की तरफ जाते हैं और हम रूट मोबाइल आईपीओ का ग्वे मार्केट प्रीमियम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्वे मार्केट प्रीमियम डेली अपडेट होता है, तो आप डेली हमारे वेबसाइट equity2community.in पे आके रूट मोबाइल का आईपीओ ओपन करके आप इसके ग्वे मार्केट प्रीमियम को देख सकते हैं। तो ये आईपीओ तो काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब जरूर हुआ है लेकिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा खासा डिक्रीज किया है। 10 सितंबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था 180 से लेके 190 रुपीज पर शेयर्स और आज डिक्रीज होके हो गया 125 रुपीज से लेके 130 रुपीज पर शेयर्स। और इसका लॉट साइज है 40 शेयर्स, 40 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे आपका ये बनता है आपका 5000 के करीब। तो मैंने आपको बताया भी था कि मिनिमम यहाँ से 5000 करीब लिस्टिंग गेंस मिल सकता है, तो एज ऑन 11 सितंबर यहां से 5000 के करीब लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन उम्मीद है कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो इंक्रीज करेगा और यहां से आपको मिनिमम 50% to 70% का रिटर्न जरूर मिलेगा एज अ लिस्टिंग गेंस और यहां पे आपको 7000 के अप्रॉक्स रियल टर्म्स में लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। तो जिनको भी अलॉटमेंट मिलेगा उनको यहाँ पे अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस मिलेगा। तो अलॉटमेंट चेक करने के लिए आपको 16 सितंबर का वेट करना। अब आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो अब आपको यहाँ पे सिर्फ वेट करना है और 16 सितंबर को आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट कैसे चेक करेंगे उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस 14 सितंबर यानी मंडे को चेक कर सकते हैं
और रूट मोबाइल के आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आप 16 सितंबर को चेक कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।